हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ आया हो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फैक्टर्स है, तो आप पहले एक बार वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ये वाले देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं BOT वर्सेस BOP के साथ। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, एंड क्योंकि हम दोनों को पहले इंडिविजुअली समझ चुके हैं तो डिफरेंसेस बड़ी जल्दी हो जाएंगे, जैसे कि हम हमेशा डिफरेंसेस में करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बेसिस, किस बेसिस पे कर रहे हैं, एंड देन उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोनों का मीनिंग का डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने क्या समझाया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड मेरी स्टेटमेंट है जो बताती है कि कंट्री कितने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड कितने इम्पोर्ट कर रहे हैं। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व करता हूँ एक कंट्री की पूरे वर्ल्ड के साथ। ध्यान था। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड बेसिस की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप की। बैलेंस ऑफ ट्रेड का स्कोप मेरा एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी नैरो है, क्योंकि जो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ गुड्स के साथ कंसर्न है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं सारी चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। दूसरा, इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मेरा एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो अल्टीमेटली अपने आप ही बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड से बड़ा होगा। रिकॉर्ड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर मैं सिर्फ विजिबल गुड्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता हूँ। विजिबल कौन से, जिनको मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, वो वाले। जबकि इसमें मैं इनविजिबल गुड्स की भी करूँगा, विजिबल की भी करूँगा, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस की भी करूँगा, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। हाँ, नहीं, यहाँ तक। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद बेसिस में आप लोग लिख सकते हैं अकाउंट्स, कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ कैपिटल, सिर्फ करंट अकाउंट मेंटेन होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर हमारे सारे गुड्स आ जाते हैं, गुड्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी करंट में जाती है, तो इसमें सिर्फ करंट होते हैं। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट भी होगा, साथ में कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं जितनी भी मेरी कैपिटल गुड्स की ट्रांजैक्शंस था उनको नोट डाउन करता हूँ। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं अबाउट इकोनॉमी मेजर। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो 100% ट्रू पिक्चर हम लोगों को शो नहीं करता, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें ट्रू इकोनॉमिक पिक्चर कंट्री की पता लगती है। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अगर इसके अलावा भी लिखना हो तो आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, लास्ट में एक दो लाइनें ये भी लिख सकते हो कि अगर मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है किसी भी कंट्री का एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा नहीं है, तब भी उस कंपनी के साथ ट्रेड किया जा सकता है, उस कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है। लेकिन अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं है और सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है, मतलब वो कंपनी की अच्छी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है इस समय। तो ये था ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही हम लोगों को फॉलो करते रहिए, एंड नई नई वीडियोस हम लोग ऐसे ही आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।